वेलकम बैक टू माई चैनल लिविंग लाइफ विद स्नेहा। और आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही क्विक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि है लाइक मैं 925 सीसी क्रीम। सो ये क्रीम मेरा ऑल टाइम फेवरेट है गाइज। मुझे कहीं पे भी जाना होता है मैं इस क्रीम को थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एंड लिपस्टिक एंड आई एम डन। सो मैं आप लोग को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इस क्रीम को एक बार अप्लाई ज़रूर करो, एक बार यूज़ ज़रूर करो लाइक अपने लाइफ में। सो ये जो क्रीम है ये ऑल स्किन टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी इसका सबसे बड़ा जो इसका क्वालिटी है वो ऑल स्किन टाइप है। तो इसके लिए आपको कोई इशू नहीं क्रिएट हो रहा है कि आपकी स्किन ऑयली है तो मैं सकती हूँ या नहीं, या मेरा स्किन ड्राई है मैं इस क्रीम को अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं। तो ये ऑल स्किन टाइप है। प्लस इस क्रीम में आपका SPF 30 PA++ है। SPF 30 इन द सेंस कि अगर आप सन कभी भी धूप में बाहर निकल रहे हो और आप आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ इसको अप्लाई कर लोगे ना और आपका सनबर्न से ये बहुत प्रोटेक्ट करेगा। आपको कोई भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर दिस। मैं हमेशा निकलती हूँ बाहर, मुझे कॉलेज जाना रहता है, मैं बस इस क्रीम को अप्लाई करती हूँ। और कोई भी फंक्शन हुआ आपके घर में, कोई भी फंक्शन हो, छोटा मोटा बर्थडे हो या छोटे मोटे पार्टी हो या किसी रिलेटिव के यहाँ जाना हो, आप इस क्रीम को अप्लाई करो। ये क्रीम बहुत अच्छा है। सो ये क्रीम जो है ये चार शेड में आता है। फर्स्ट वन इज़ बिंज, देन अनदर वन इज़ हनी, फिर आता है आपका ब्रॉन्ज एंड देन आता है एलमंड। सो मैं अभी मेरा जो शेड है वो बिंज है। आप हमेशा अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही अपना ये फाउंडेशन बेस्ड क्रीम अप्लाई करो, यूज़ करो या ख़रीदो। हमेशा आप ये अपने फाउंडेशन अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लेना। मेरे साथ एक बार पंगा हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे पहले आइडिया नहीं था कि आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन क्रीम आती है। तो मैं गई, मैंने लिया, मैंने सुना जब ये न्यू आया था नेक में, 925 आया था जब ये नया आया था, तो मैं गई इसके पास और मैं गई मार्केट में, मैंने इसे लिया एंड शॉप वाले ने मुझे क्रीम दे दी जिसका शेड था हनी की दे दी। उसके बाद मैं लेकर आई और मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया। तो वो क्या होता था ना कि मैं स्किन को थोड़ा डार्क कर देता, तो वो एक टोन मेरे स्किन इस टोन का है, जिस टोन का अभी दिख रहा है ना, इससे एक टोन डार्क हो जाता था। और फिर थोड़ा जैसे जैसे समय होते जाता था ना तो एकदम डार्क दिखने लगता था। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ये इतना अच्छा क्रीम लेकर आई हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने शेड जो है वो अपने शेड का नहीं पिक किया था, जो मेरा टोन है वो अपने टोन का नहीं पिक करके दूसरे मेरा जो मतलब थोड़ा डार्क शेड पिक कर लिया था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं ज़रूर आप लोग को ये बता दूँ। तो बिंज मेरा शेड है। आपका शेड भी अगर बिंज है तो आप उसको बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका शेड एक टोन डार्क है तो आप हनी यूज़ करो, और आपका शेड हनी से भी एक टोन डार्क है तो आप ना ब्रॉन्ज यूज़ करो, ब्रॉन्ज से भी एक टोन डार्क है तो एलमंड यूज़ करो। सबसे एलमंड जो है वो सबसे डार्क शेड है इसका, उसके बाद उसके ऊपर ब्रॉन्ज, फिर हनी, फिर बिंज। तो ये दीज आर द फोर शेड्स। और ये जो है आपका ये बहुत ही अच्छा क्रीम है, आपके स्किन पे अलग सा ब्राइटनेस ले आता है। लाइक आप इसको लगाओगे ना तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, आपका इवन टोन स्किन दिखेगा। कोई कंसीलर प्राइमर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको लगाने पे, आप बस हल्का सा इसको लगाओ। मैं आपको अप्लाई करके अभी अपने हाथ पे दिखलाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने ऑलरेडी अपने फेस पे ये अप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हो गाइस मेरे फेस कितना ग्लो कर रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, जिसमें मैं हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेना है ये, फिर भी मैंने ज़्यादा ले लिया है। इतना आप फेस पे ले, लाइक वन ड्रॉप, और इस तरीके से आप डॉट डॉट करते हुए लगाएं। कभी भी इसको ना ऐसे रब करते हुए नहीं लगाएं, डॉट डॉट करते हुए लगाएं। मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो मैंने लैक्मे 925 सीसी क्रीम हर जगह यूज़ किया है। तो इस तरीके से, और आप ब्लेंडर है आपके पास तो आप ब्लेंडर की हेल्प से, ब्रश है तो ब्रश की हेल्प से। मेरे पास अभी मैं यहाँ पे लेके बैठी नहीं हूँ तो मैं आपको हाथ से ही करके दिखाती हूँ। हमेशा टैप करते हुए लगाएं। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि कभी भी फाउंडेशन जो है ना आप रब नहीं करें, हमेशा टैप करते हुए लगाएं। तो ये देखो, और आपको मेरे स्किन मेरे हाथ पे ही अभी फर्क दिख रहा होगा, आप देख सकते हो।
और ये कांस्टेंट रहता है, ये हिलता नहीं है अगर आपने अच्छे से इसको अप्लाई किया है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इसको अप्लाई करने से पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा दें। इसमें भी मॉइस्चराइज़र ऐड है, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार मॉइस्चराइज़र लगा दें, बिकॉज मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होता है ना कि आपका स्किन एकदम बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से ना आपके स्किन पे पैचेस नहीं पड़ते हैं या डार्क या लाइन्स नहीं आती, क्रैक्स नहीं आते हैं क्रीम वगैरह अप्लाई करने पे। प्रॉपरली आपके स्किन पे ये स्प्रेड हो जाएगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो आप हमेशा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लें जब भी आप कोई भी फाउंडेशन बेस्ड क्रीम लगा रहे हो, तो चाहे वो नैकमे 925 CC क्रीम ही क्यों ना हो या फाउंडेशन, कोई भी हैवी फाउंडेशन लगा रहे हो तो हमेशा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया करो। तो मेरा ये सजेशन आप लोग के लिए रहेगा। तो आप देख लो कि कितना अच्छा यहाँ पर टोन आया ना, ये देखो, देख सकते हो। तो ये क्रीम मेरा पर्सनल फेवरेट है, आपका भी पर्सनल फेवरेट हो जाएगा अगर आप लोग इसको अप्लाई करोगे तो ये मेरा छोटा सा रिव्यू था लैक्मे 925 CC क्रीम पर। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। और बाय द वे, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका भी वीडियो मैंने डाला है अपलोड आप लोग के लिए, बैक साइड का भी डाला है, फ्रंट का भी डाला है। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, मेरे मेहंदी वाले वीडियो को, तो प्लीज़ आप एक बार उसको देख लो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो अभी ये था मेरा छोटा सा रिव्यू लैक्मे 925 CC क्रीम के ऊपर। तो मैं ऐसी तरीके से छोटे मोटे रिव्यूज आपको देते जाऊंगी जो भी प्रोडक्ट मुझे अच्छे लग रहा है उसके ऊपर। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना जितना हो सके उतना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना जितना हो सके उतना शेयर करना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा और आप लोग का इस क्रीम को यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट आया, ये भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और चलो, मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे फिट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड नाइट, गुड बाय।